हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब सालार डेट पर एंट्री मार चुकी है और फर्स्ट वीक इस मूवी ने कंप्लीट कर लिया है और मेकर्स की तरफ से भी भाई पहले 6 दिन का ऑफिशियल डेटा आ चुका है, जो 3 दिन बाद, क्योंकि पहले 3 दिन तक 402 करोड़ का जो ऑफिशियल डेटा दिखा रहे थे मेकर्स, उसके बाद 4, 5 और 6वें दिन का इन्होंने पहले 6 दिन के 500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दिखाया है, जो भाई बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। मतलब जो स्कैम वाली बात चल रही वो एक हिसाब से देखो सच होती नजर आ रही है, क्योंकि भाई ये मूवी जहां 3 दिन में 402 करोड़ कमा रही है और उसके बाद जो 3 दिन में सिर्फ 500 करोड़ कमाते नजर आ रही है, दूसरी तरफ जो बॉक्स ऑफिस भाई जो बिल्कुल सटीक डेटा देते हैं, एक्यूरेसी को टच करते हैं, वो पहले 6 दिन का लगभग 428 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सालार के लिए दिखा रहे थे। तो भाई बहुत अंतर है और अक्सर ये देखने को मिलता है। लियो मूवी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब लियो आई थी भाई साउथ की मूवीज का डेटा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कवर अप हो ही नहीं पाता है, लेकिन जो बॉलीवुड मूवीज की हैं, जो और भी मूवीज हैं भाई, उनका जो डेटा होता है बिल्कुल एक्यूरेसी को टच करता है, 4 से 5 करोड़ का अंतर देखने को मिलता है, लेकिन साउथ की मूवीज में 60 करोड़ 100 करोड़ का ऐसा अंतर देखने को मिलता है जो ऑफिशियल जो मेकर्स की तरफ से आते हैं एंड जो हमेशा जो कवर अप करते रहते हैं, जिनका काम ही यही है भाई बॉक्स ऑफिस को रिपोर्ट को कवर अप करना, मिनटों में ये सेकनिक वाले मिनटों में डेटा को कवर करते हैं भाई, उनकी तरफ से इतना बड़ा बड़ा अंतर देखने को मिलना है। क्या है स्कैम है क्या नहीं है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं कल नेट इंडिया से इस मूवी ने कितनी कमाई करी है। मतलब कल 7वें दिन पर 13.5 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन का लैंड ऑफ द डे तक आते नजर आ रहा है सालार का। ग्रॉस कलेक्शन 17 करोड़, ओवरसीज से 13 करोड़ एंड पूरी दुनिया से 30 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक अपने नाम करते नजर आ रही है। तो पहले 7 दिन में नेट इंडिया से ये मूवी कल कितना कवर अप करते नजर आ रही भाई साहब, नेट इंडिया से 309 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन एंड क्रॉस इंडियन कलेक्शन 365 करोड़ 70 लाख, ओवरसीज से 164 करोड़ के आसपास एंड पूरी दुनिया से 529 करोड़ 70 लाख के आसपास ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कवर करते नजर आ रही है सालार के मेकर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन सेकनिक के जो डेटा कवर अप कर रहे हैं भाई साहब, इस मूवी ने लगभग 450 करोड़ के आसपास कल एंड ऑफ द डे तक ये कवर करते नजर आ रही है। आपको जो मानना है वो मान लीजिए, क्योंकि सेकनिक की ये रिपोर्ट है एंड सालार के जो मेकर्स हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट है। भाई दिस टाइम आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज कि क्या सही है क्या गलत है भाई, लेकिन जो है भाई मैं दोनों बता के आपको रख दे रहा हूँ सामने, जो आपको समझना चुनना है वो आप चुन लीजिए। बात करें आज डे 8 की, तो भाई साहब आज डे 8 में भी एडवांस बुकिंग लगभग 5 करोड़ के आसपास ये मूवी कवर करते नजर आ रही, जो एंड ऑफ द डे तक नेट इंडिया से 12 करोड़ एंड पूरी दुनिया से लगभग 26 से 27 करोड़ के आसपास ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रखते नजर आ रही है। और सब सालार की जो ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंटली नीचे गिरते जा रही है, लेकिन डंकी दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ तो वो स्टार्टिंग उसकी कोई फाड़ नहीं हुई थी, जैसे उन्होंने जवान पठान के साथ जो ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली थी भाई 100 करोड़ 90 करोड़ 95 करोड़, और ये कॉन्स्टेंटली पहले वीक तक चलती रही थी भाई। जवान में पहले 6-7 दिन तक कॉन्स्टेंटली वही एवरेज था, कभी 1-2 करोड़ ज़्यादा बढ़ जा रहा भाई, वर्किंग डेज में इस मूवी ने 70-75-72 करोड़ ऐसे कमाते नजर आई है। लेकिन डंकी भाई कॉन्स्टेंटली नीचे आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। लेकिन दूसरी तरफ सालार में भाई बहुत ह्यूज डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से मूवी आगे बढ़ते जा रही है, लेकिन प्रॉमिस करा जा रहा है कि भाई साहब हिंदी में बहुत से शोज इनके खाते में आ चुके हैं, लेकिन भाई हिंदी से सिंगल लैंग्वेज अगर मैं बताऊँ तो डंकी फाड़ कलेक्शन कर रही है। और दूसरी तरफ ओवरसीज से मैं बताऊँ तो भाई एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम वो अलग तबाही मचाती नजर आ रही है। तो ओवरसीज से भी भाई दोनों मूवी को इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। भाई बात करते हैं कि यार ये स्कैम की जो रिपोर्ट चल रही है, स्कैम का जो क्लैश चल रहा है भाई पिछले 2-3-4 दिन से, मतलब जब से मूवी दोनों ये रिलीज हुई हैं तब से यही बातें चल रही हैं कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी फेक रिपोर्ट आ रही है, इतना कलेक्शन नहीं करा है, बस ऑडियंस को बरगलाया जा रहा है, मतलब फेक डेटा दिखा रहे हैं कि भाई साहब ऑडियंस पे एक गलत इंप्रेशन जाए कि भाई ये मूवी अच्छा कमाई कर रही है, इसका मतलब इसका कॉन्टेंट दमदार होगा। भाई सारे रिव्यूज अभी तक आ चुके हैं डंकी के लिए भी एंड सालार के लिए भी, और मैं बताऊं तो दोनों मूवीज़ को मिक्स रिव्यूज मिले हैं, अधिकतर पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले हैं, क्रिटिक्स ने भी अच्छे खासे रिव्यू दिए हैं, बाकी नेगेटिव रिव्यू अगर मैं बताऊं तो भाई साहब डंकी को उतने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू नहीं मिले हैं, लेकिन सालार को कहीं ना कहीं थोड़े वो नेगेटिव रिव्यू मिले हैं, क्योंकि जो हाइप मेकर्स के द्वारा सेट करी गई थी ये लेवल की हाइप, उस लेवल को शायद एक बार के लिए सालार टच करते नजर नहीं आई, क्योंकि वही पुरानी चीज़ें उन्होंने दोबारा से थोड़ा से नए अंदाज में, मतलब
बदलते दिखाए, मतलब स्क्रिप्ट वही, कुछ वर्ड चेंज कर दिए और सेम स्क्रिप्ट को उन्होंने हमारे सामने उतार दिया है, बस इतना ही काम किया है। तो भाई साहब जो स्कैम की बात चल रही है बॉक्स ऑफिस स्कैम के बाद, आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन नहीं सही है? अगर आपको पता है तो भाई अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना है नीचे। बाकी मैं कहूंगा भाई जो भी एक्यूरेसी को डेटा टच कर रहे हैं, जो भी दोनों मेकर्स की तरफ से निकल रहे हैं, वो स्लाइटली एक्यूरेसी को टच कर रहे हैं। तो कौन सी मूवी यहाँ कौन सी ज्यादा कमाई करेगी भाई, अभी भी सलार को लेके प्रिडिक्शन सेट करी जा रही है कि 1000 करोड़ ये मूवी टच कर जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये मूवी 1000 करोड़ टच कर जाएगी? भाई मैं मान के चल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा 700 करोड़ या 750 करोड़ के आसपास ये मूवी स्टैंड करने वाली है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट से जरूर बताइए ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।